शुक्रिया आप सबका। तुम भी नाचो बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। अरे बैल जैसे सिंह उड़ा के ढोल उड़ा के तुम भी नाचो बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाच। देर से भी तेज देखो चल सके ना कोई नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे बाग डोर छोड़ मिट्टी जोता रोटू मोटा मिल सका के ऐसे नाचो के आजा छोरे के आजा छोरे के आजा छोरे नाचो 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 अरे नाचो 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 पक्षी कैरी लगे कट्टा नाचो अरे नाचो 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 पक्षी काट लागे ऐसा नाचो। घूमे गोल ऐसे देखो तंतना के रोकी नाचे चोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी ना देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो अस्तबल में घोड़ो जैसे दबा के दे हर वेद जो दर लोटू मोटा मिल जगा के ऐसे नाचो कि आजा छोरे के आजा छोरे के आजा छोरे के आजा छोरे के आजा छोरे नाचो नाच 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 नाचो वीर नाचो ये नाचो नाच 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 नाच
Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So, as I'm here and Adarani अमिताभ बच्चन सर भी यहाँ पर हैं और सारे साथी जिनको हम टेलीविज़न पर देखते हैं, तो मुझे लगा ये बहुत कमाल का क्षण है जिस क्षण में एक ऐसी कविता की दो पंक्तियाँ मैं सुनाऊँ जो मुझे लगता है हिंदुस्तान की रगों रगों में गूंजती है। और ये लिखी है आदरणीय हरवंश राय बच्चन जी ने, और कुछ पंक्तियाँ बहुत बड़ी कविता है पर क्योंकि हिंदी में है और बच्चन सर यहाँ पर हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज तवज्जो फरमाएं। इस कविता का शीर्षक है रात आधी खींच कर मेरी हथेली। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रही थी। तारिकाएं ही गगन की जानती हैं जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी। मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे अध जगा सा और अध सोया हुआ सा, रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। एक बिजली छू गई सहसा जगा मैं, कृष्ण पक्षी चांद निकला था गगन में। इस तरह करवट पड़ी थी तुम के आंसू, बह रहे थे इस नयन से उस नयन में। मैं लगा दूं आग इस संसार में, प्यार जिसमें इस तरह समर्थ कातर। जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए था कर दिया तैयार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। प्रात ही की ओर को है रात चलती और उजाले में अंधेरा डूब जाता। मंच ही पूरा बदलता, कौन ऐसी खूबियों के साथ पर्दे को उठा था। एक चेहरा सा लगा तुमने लिया था और मैंने था उतारा एक चेहरा। वो निशा का स्वप्न मेरा था कि अपने पर गजब का था किया अधिकार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। और उतने फासले पर आज तक सौयत्न करके भी ना आए फिर कभी हम। फिर ना आया वक्त वैसा, फिर ना मौका उस तरह का, फिर ना लौटा चांद निर्मम और अपनी वेदना। मैं क्या बताऊं, क्या नहीं ये पंक्तियां खुद बोलती हैं, क्या नहीं ये पंक्तियां खुद बोलती हैं। बुझ नहीं पाया अभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब विशाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, ये जो आपने पंक्तियां पढ़ी और उससे पहले जो आप जी आपके गाने पर, तो मैं देखता हूँ कि मतलब लोग दीवाने हो देते हैं जी, जी। मैंने कुछ ऐसे भी कॉन्सर्ट्स वगैरह देखे हैं, वीडियोस देखे हैं जिसमें आपका गाना सुन के लोग रो देते हैं या तो बहुत खुश हो जाते हैं या रोने लगते हैं। योर म्यूजिक मूव्स देम जी। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपका परिचित डिप्रेशन में हो या काफ़ी बीमार हो और आपने संगीत से ठीक कर दिया? देखिए, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जब आप संगीत या कोई भी कला क्षेत्र, आप किसी भी कला क्षेत्र में होते हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कला होती है, तो ईश्वर ने आपको स्वयं चुना होता है कि आप लोगों की मदद कर सकें।
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कलाकार, सब कलाकार सच अगर बोलेंगे तो उनको पता होगा कि ये कला आपकी तो होती नहीं, ईश्वर आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। मेरे केस में क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव का रहने वाला हूं, तो बहुत छोटे सिरे से कला को हमने देखा है। तो इस अब जब यहाँ मुंबई में हम ये काम कर रहे हैं तो बड़े सारे किस्से सुनने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो संगीत भी कोई पहचानता नहीं था। अगर आप किसी से कहें कि आपको करना क्या है, संगीत करना है, तो लोग बोलेंगे अच्छा काम क्या करोगे संगीत तो ठीक है। आपके सवाल का जवाब देते हुए, एक बार एक गाना था और हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया कि कोई आपसे बात करना चाहता है। तो हमने फोन उठाया और एक लड़की फूट फूट कर रो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला 3 दिन पहले मैंने खुदकुशी करने की ट्राई करी और डॉक्टर सारे लोग हार मान चुके थे कि क्या हो रहा है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। और उसे हमारा एक गाना सुनाया गया और वो रोने लगी और उसको वापस जीवन मिला। तो उसने हमें इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा किया। और ऐसे लाखों मैसेजेस जब आते हैं, जब लोग आपसे कहते हैं कि आपके गाने मरहम की तरह काम कर रहे हैं, तो मन करता है कि और मेहनत करें। और जब तक ईश्वर ने अनुकंपा दी है, जब तक ये आशीर्वाद है ईश्वर का, तब तक ऐसे ही बांटते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।